मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी, ठीक है बेटा। और मुझे दे रखी है यहां एक कॉइल, ये रही कॉइल, कॉइल की रेडियस है आर, ये है कॉइल का सेंटर, ठीक है। देखो हमें क्या कहा बेटा, हमें ये कहा कि भैया हमने कॉइल को यहां से ऐसे 180 डिग्री का एंगल घुमा दिया। 180 डिग्री का एंगल घुमाने का मतलब क्या है, जरा देखो। हमने इस बार कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं निकाला, ना ही हमने स्ट्रॉन्ग से निकालकर वीक में डाला, ना हमने वीक से निकालकर स्ट्रॉन्ग में डाला, हमने वहीं के वहीं कॉइल को घुमाया, वहीं के वहीं कॉइल को, वहीं के वहीं कैसे घुमाया कॉइल को, कॉइल ऐसे रखी है ऐसे ऐसे घुमाकर ऐसे कर दिया कॉइल को, समझ में आ रही बात। अगर मैंने कॉइल को यहीं से 180 डिग्री घुमाकर ऐसे कर दिया, आपको बताना है कि इस केस में फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना चेंज होगा और वोल्टेज बनेगा तो कितना बनेगा, समझ में आ रही है बात। अरे बोलो भाई, चलो अब देखते हैं कि किस किस तरीके से फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा। हम सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल फ्लक्स, सबसे पहले हम इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एरिया कितना है, ए। अभी कॉइल ऐसे है, ऐसे अभी कॉइल ऐसे है, समझ आ रही है बात। अभी कॉइल हमारी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यहां पर ऐसे करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ, क्रॉस अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर ऐसे बाहर की तरफ, बताओ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी इनिशियल फ्लक्स हो गया मेरे पास में बी ए कॉस 180, बताइए समझ आया नहीं आया। अगर मैंने यही के यही कॉइल को घुमाकर यहां से ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे, यानी पहले कॉइल मेरी ऐसी थी बच्चों, ऐसी थी, देखो हथेली तुम्हारी तरफ है, अरे है या नहीं है। हमने यहां से घुमाकर कॉइल को ऐसे रख दिया, ऐसे। अगर हमने कॉइल को यहां से घुमाकर ऐसे रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बोलो भाई। अब हथेली अंदर की तरफ चली गई, परपेंडिकुलर भी कहां जाएगा इस बार। हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, पहले मेरा हाथ ऐसे था, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया बाहर की तरफ। अब अगर हाथ यहां से घूमकर ऐसे चला गया तो परपेंडिकुलर कहां जाएगा, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, अरे है, और परपेंडिकुलर भी अंदर, तो दोनों अंदर की तरफ जा रहे, तो एंगल कितने डिग्री हो गया। यानी जब ये कॉइल यहां से घूमकर यहां पहुंच जाएगी बेटा, तो फाइनल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में ये बी ए कॉस 0, ये हो जाएगी हमारे पास में फाइनल फ्लक्स की वैल्यू। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, मतलब इसका गलत आंसर लिखकर आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से तो बाहर निकली ही नहीं, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से तो बाहर निकली ही नहीं सर, कॉइल तो वहीं की वहीं है, तो इसका मतलब तो यह है कि फ्लक्स में कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि जब कॉइल घूम रही है ना बेटा वहीं के वहीं, जब कॉइल घूम रही है वहीं के वहीं, समझ में आ रही बात। और लाइंस ऐसे है आपकी, ऐसे है लाइंस, जब कॉइल घूमेगी तो वो कॉइल इन लाइंस को कट करेगी, कट, समझ में आ रही बात। और लाइंस को कट करने का मतलब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आने से ही है। अगर लाइंस कट होती हैं तो उसका मतलब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आने से ही है, समझ आ रही है बात आप लोगों को। ये तो हो गया इनिशियल फ्लक्स, अरे हो गया ये कितना फ्लक्स हो गया, और यहां से घूमकर यहां पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा। अब फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, माइनस यहां क्या आएगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, टाइम कितना लग रहा है, टी। अब आप देखो बेटा फाइनल फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये बन गया हमारे पास में बी ए, डन। बीच में है माइनस, इनिशियल फ्लक्स कॉस 180 की वैल्यू माइनस 1, यहां क्या आएगा, माइनस बी ए अपॉन में क्या है। अब बताइए माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईएमएफ कितना बनेगा हमारे पास में, माइनस के 2BA अपॉन टी। बताओ कॉइल को घुमाने पर वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, जीरो तो नहीं है, जीरो लिख कर आओगे वहां पर, नहीं लिख कर आओगे, क्योंकि अगर कॉइल घूमेगी तो कॉइल के घूमने से भी फ्लक्स चेंज होगा, समझ में आ रही बात। और कॉइल के घूमने से जो फ्लक्स चेंज होगा और उससे जो वोल्टेज बनेगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास में ये माइनस के 2BA डिवाइडेड बाय टाइम, बोलो समझ आया नहीं आया। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ सिर्फ इस बात को बताता है
कि भैया फ्लक्स में चेंज करो और वोल्टेज बनाओ। फैराडे का सेकेंड लॉ इस बात को बताता है कि कितना फ्लक्स में चेंज करोगे तो कितना वोल्टेज बनेगा। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। ये है फैराडे का सेकेंड लॉ, समझ में आ रही बात। और फैराडे का थर्ड लॉ, वो जो कल मैंने आपको सारी डायरेक्शन निकलवाई थी ना, वही फैराडे का थर्ड लॉ है। फैराडे का थर्ड लॉ ये कहता है कि जिस वजह से करंट बनती है या जिस वजह से वोल्टेज बनता है वो उसी चीज का क्या करता है, अपोज करता है। मैंने आपसे क्या कहा, ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, मैग्नेट और कॉइल में बड़ी खतरनाक दुश्मनी है बिल्कुल। बस ये समझ लो कि मैग्नेट जैसा करेगी ना, कॉइल एकदम उसका क्या करेगी, उल्टा करेगी। समझ आ रही बात। अगर मैग्नेट पास आना चाहेगी तो कॉइल उसे दूर भगाएगी, समझ आ रही बात। और अगर मैग्नेट दूर जाएगी तो कॉइल उसे पास बुलाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी मैग्नेट जैसा भी करेगी कॉइल बिल्कुल एकदम से उसका उल्टा करेगी। यही हमारा फैराडे का थर्ड लॉ है और इसी फैराडे के थर्ड लॉ को हम लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। तो फैराडे का पहला नियम सिर्फ इस बात को बताता है, फ्लक्स में चेंज करो वोल्टेज बनाओ, फ्लक्स में चेंज करो वोल्टेज बनाओ, और अगर फ्लक्स में चेंज नहीं कर पाए तो वोल्टेज को भूल जाओ। समझ में आ रही बात। अगर आपने किसी तरीके से फ्लक्स में चेंज नहीं किया तो कोई वोल्टेज नहीं बनने वाला। क्लियर हो गई बात। फैराडे का सेकेंड लॉ इस बात को बताता है कि कितना फ्लक्स में चेंज होने से कितना वोल्टेज बनेगा। फॉर्मूला आपके सामने है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, वो जो डायरेक्शन बन रही थी कल, मैं जो डायरेक्शन आपको बता रहा था, फ्लक्स बढ़ेगा तो सेम पोलैरिटी, फ्लक्स घटेगा तो अपोजिट पोलैरिटी, मैग्नेट दूर जाएगी तो कॉइल पास बुलाएगी, मैग्नेट पास आएगी तो कॉइल दूर भगाएगी। यही फैराडे का थर्ड लॉ है और इसी को हम लेंज लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अपना इतना लिख लीजिए कॉपी के अंदर, फिर आगे बात करेंगे। बातें नहीं, हाँ बेटा हो गया।
गया बच्चों। हाँ जी बताइए क्या पूछना है। बेटा B1A यहां से आया, पहले कॉइल यहां रखी है ना, तो ये तो हो गया B1 मैग्नेटिक फील्ड, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को मैंने A लिख दिया वहां पर, और कॉस जीरो की वैल्यू हो गई 1, तो ये इनिशियल फ्लक्स हो गया, तो इसकी जगह रख दिया हमने B1A, ठीक है। फाइनल फ्लक्स जीरो है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, और अंदर से बाहर जाने में टाइम कितना लग रहा है, टी, तो ये बन गया आंसर। हाँ जी बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला नहीं बताया था आपको, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था ना बेटा आपको, इसलिए हमने कॉस लिया है। जैसे ये हमारे पास में कोई शीट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चला गया हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक, परपेंडिकुलर हमारा बना इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, ये बी है, ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, तो ये जो बी का कंपोनेंट जाएगा ना एरिया की डायरेक्शन में, वो बी कॉस थीटा ही जाएगा, समझ रहे हो, बी कॉस थीटा एरिया की डायरेक्शन में जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लेना होता है जो एरिया की डायरेक्शन में जाता है। तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास में बी कॉस थीटा इंटू एरिया, तो फ्लक्स क्या बन गया, बी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला हो गया ना, ये वाला बनाओ। यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल को बाहर निकाल दिया वीक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो इनिशियल फ्लक्स हो गया B1A cos 0 और फाइनल फ्लक्स हो गया B2A cos 0। अच्छा सुनो एक सेकेंड, अगर इसी कंडीशन में मैं ऐसे कॉइल को बाहर निकालता, इस कंडीशन में तो ऐसे निकाल दिया हमने कॉइल को बाहर, कॉइल ऐसे थी, यहां से उठाकर यहां रख दिया, ठीक है, अगर मैं कॉइल को ऐसे बाहर निकालता, ऐसे बाहर निकालता, फिर क्या होता, अभी कॉइल यहां ऐसे है, हमने अभी यहां से यहां ऐसे निकाला बाहर, कॉइल यहां थी, यहां से यहां खिसका दिया, हथेली यहां पर भी तुम्हारी तरफ है, हथेली यहां पर भी तुम्हारी तरफ है, इसीलिए यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, ठीक है। अगर मैं इस कॉइल को ऐसे बाहर निकालता, यहां से घुमाकर ऐसे बाहर निकालता यहां पर ऐसे, तो यहां एंगल कितने डिग्री हो जाता, 180 डिग्री, फिर उसी हिसाब से आप लोग करते काम, ठीक है। हाँ बच्चों बताइए, हो गया, कोई समस्या है किसी को, हाँ ठीक है, नोट करिए नेक्स्ट। यहां पता है ना कॉइल को कितने डिग्री घुमाया, हाँ, अगर यहां कॉइल को मैं पूरा 360 घुमा देता तो फिर क्या होता भाई, सेम, और कितना आंसर आता, सेम, सेम मतलब कॉइल ऐसे है, अगर आपने 180 डिग्री घुमाया तो कॉइल ऐसे हो गई, और अगर आप 360 डिग्री घुमाओगे तो कॉइल ऐसे है, और कॉइल यहां से घूमकर फिर कैसी हो गई, ऐसी हो गई, समझ में आ रही बात। तो पहले भी कॉइल ऐसी ही थी, अब भी कॉइल ऐसे ही है, जितना फ्लक्स शुरुआत में था उतना ही फ्लक्स अब है, तो टोटल आंसर कितना आएगा, जीरो। अगर पूरा 360 डिग्री आप घुमाओगे ना बेटा तो EMF जीरो बनेगा, कितना EMF बनेगा, सिर्फ EMF तब बनेगा जब आप जीरो से 180 डिग्री घुमाओगे या 180 डिग्री से 360 डिग्री घुमाओगे, अगर पूरा राउंड आप लोगों ने लगवा दिया तो आंसर आएगा जीरो, ठीक है ना, फ्लक्स में चेंज आएगा और ना EMF में चेंज आएगा।
तुझे नहीं लग रहा एंगल चेंज हो रहा है? कॉइल ऐसे है, यहां से घुमाकर ऐसे रख दिया हमने, तुझे समझ ही नहीं आता अभी तक कैसे घुमाया? अरे भाई तो पूछते क्यों नहीं हो यार, यहां कोई बारात में थोड़ी आ रखे हो यार, हैं? अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछोगे नहीं तो कैसे बताऊंगा मैं आपको? मुझे कैसे पता चलेगा भाई तुम्हें समझ आया नहीं आया? शुरुआत में कॉइल ऐसे रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना फ्लक्स पास होगा? बी ए क्या हो गया? एरिया। एंगल देख कितना बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब पता क्या होता है? अंदर। परपेंडिकुलर कहां जाएगा? बाहर। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो इनिशियल फ्लक्स हो गया ये 180 डिग्री। समझ गया आप? ये इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू हो गई। हमने इस कॉइल को यहां से खिसका के यहां नहीं रखा बेटा, यहां से घुमा दिया हमने यहीं के यहीं कॉइल को। पहले हथेली तेरी तरफ आ रही थी, अब ऐसे घुमा दिया हमने, ऐसे वैसे जा रही है अंदर कॉइल। अब बता मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। परपेंडिकुलर भी कहां जाएगा? अंदर। कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री नहीं बनेगा। क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर। और ऐसे हो गई कॉइल, पहले ऐसी थी कॉइल, अब कॉइल ऐसे हो गई। परपेंडिकुलर भी कहां जाएगा? अंदर। एंगल कितना हो गया? 0। कॉस 0 की वैल्यू इतनी हो गई। ये फाइनल फ्लक्स हो गया। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। टी टाइम कौन सा है? घुमाने में जितना टाइम लगेगा, आधा घुमाने में जितना टाइम लगेगा वो टी टाइम कहलाएगा हमारा, ठीक है? और अगर लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, अगर यहीं के यहीं पूरा राउंड आप लगाओगे ना तो फ्लक्स के अंदर 0 चेंज आएगा, ठीक है? पूरा राउंड 360 डिग्री अगर आप उसे घुमाओगे, क्योंकि शुरुआत में कॉइल ऐसी है और 360 घूमकर दोबारा से कॉइल कैसी हो जाएगी? ऐसी ही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ऐसी? अरे बताओ यार, शुरुआत में कॉइल ऐसी है और मैंने अगर उसे 360 घुमाया, 360 डिग्री घुमाया, तो कॉइल यहां से घूमकर फिर ऐसी हो जाएगी, यहां से घूमकर ऐसे, घूमकर ऐसे आ जाएगी, आ जाएगी ऐसे, तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आएगा। और मेन काम तो फ्लक्स में चेंज लाने का ही है। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आया तो कितना ईएमएफ बनेगा? 0 ईएमएफ बनेगा, ठीक है? बोलो। डन। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा बच्चों इस चैप्टर को, क्योंकि एक हल्की सी कंफ्यूजन पूरे चैप्टर को का सत्यानाश कर सकती है। हल्की सी कंफ्यूजन पूरे चैप्टर को खत्म कर देगी। तो बहुत ध्यान से समझकर हर एक पॉइंट पर गौर करके तब आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? ये समझ में आ गया ना सभी लोगों को? नेक्स्ट हेडिंग लिखो अपनी कॉपी के अंदर, इंड्यूस्ड चार्ज इन अ कॉइल, इंड्यूस्ड चार्ज इन अ कॉइल। अच्छा मैंने बताया था यार, इंड्यूस्ड वर्ड कब लगता है? जो क्वांटिटी पहले नहीं थी वो बाद में पैदा हो गई, उसके सामने इंड्यूस लगा देते हैं, ठीक है? जैसे आप ये देखो, मान लो कि ये कॉइल है हमारे पास में और ये मैग्नेट है हमारे पास में, ठीक है बेटा? ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट धीरे धीरे इधर इसकी तरफ आ रही है, ठीक? आर्यन जी क्या होगा अगर ये मैग्नेट धीरे धीरे कॉइल के नजदीक आएगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने का मतलब क्या है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे चेंज हो रहा है? और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल के अंदर बन जाएगी एक करंट। क्या बन जाएगी? और ऐसे करंट वो कॉइल के अंदर दौड़ना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? अच्छा आप सब जानते हो बेटा, जब करंट फ्लो करती है तो करंट के अंदर चार्ज फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? देखो ये करंट पहले यहां नहीं थी, मैग्नेट को पास लाने से करंट बन गई, तो इस करंट को मैं कहूंगा इंड्यूस करंट। कौन सी करंट? और इस करंट के अंदर जो चार्ज होगा उसका नाम होगा इंड्यूस चार्ज। क्या होगा? अभी जस्ट हमने फैराडे का लॉ पढ़ा, हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ईएमएफ की वैल्यू रहने वाली है इतनी, माइनस डी फाई अपॉन डीटी। बेटा ईएमएफ का मतलब वोल्टेज से होता है, वोल्टेज की वैल्यू इतनी रहने वाली है, यानी इस कॉइल में जो वोल्टेज बनेगा वो इतना वोल्टेज बनेगा।
मैंने माना कि इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, हर चीज का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, तो बेटा करंट कितनी बनेगी। करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन, ये करंट का फॉर्मूला है। वोल्टेज की वैल्यू है माइनस के डी फाई, यहां आएगा आर, यहां आएगा डी टी, समझ आ रही बात। और अगर हम चाहें तो करंट को लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी, हम करंट को लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी, ये करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाय डी टी। ये डी टी से ये डी टी कैंसिल आउट हो गया, बेटा डी क्यू की वैल्यू निकल गई हमारे पास में माइनस डी फाई अपॉन आर। लो साहब, कॉइल के अंदर जो चार्ज बनेगा उसकी वैल्यू इतनी होगी, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन आर। ठीक है, अभी आपको सिर्फ नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा इसके ऊपर आप लोगों को कि इंड्यूस चार्ज के सवाल कैसे बनेंगे, नोट कर लीजिए अभी अपनी कॉपी में आप लोग। ओके तो अब हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट तो पढ़ लिए हैं, फ्लक्स भी पढ़ लिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जो कॉइल के अंदर से लाइन पास होती है उन्हें मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। कल हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे, कौन सी करंट कहां से किस किस तरीके से पास होगी, वो सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ लिए। और ये तीन हमारे फैराडे के लॉ हो गए। फैराडे का फर्स्ट लॉ किस बात को बताता है, फ्लक्स में चेंज होगा तो वोल्टेज बनेगा, कितना वोल्टेज बनेगा, सेकेंड लॉ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, थर्ड लॉ। समझ में आ रही बात आप लोगों को, ये कंडीशन हमारे पास में बन गई, मतलब एक छोटा सा पोर्शन इसका खत्म हो गया। अब सवाल उठता है कि इसके क्वेश्चंस का, एक पोर्शन खत्म हो गया, अब इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसके ऊपर अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को, बोलो कोई समस्या है तो किसी को, नहीं है, पक्का, ठीक है।